लखनऊ के मलिन बस्ती में इस समय चंद्रशेखर आजाद मौजूद हैं, जो आज आप यहाँ पर आए मलिन बस्ती में। क्या इन लोगों की मांगे थी, क्या चाहते? बस्ती किसे कहते हैं बताओ? मलिन बस्ती जिसको नाम है, ये वो लोग हैं जो इस देश की सफाई की व्यवस्था से लेकर सारे काम करते हैं जी। जिनको सफाई करने पे, गंदगी उठाने पे जान की बाजी लगा के 7,000, 8,000, 10,000 रुपए मिलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सीवर में मरते हैं लोग, तमाम तरह की मुसीबतें इन पे पाबंद होती हैं, और फिर ठेकेदारी सुविधा पे इनको काम करना पड़ता है। ये सारी समस्याओं के बावजूद भी ये इस बुरे हाल में भी रह के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब उस प्रयास को भी सरकार छीन लेना चाहती है। ये आसियाने आज के नहीं है, 100-100 साल पुराने, आज़ादी से पहले। और ये जब ये लखनऊ शहर शहर ने इस तरह नहीं होता था, ये शहर जो है ये शहर का बाहरी छोर था, जहाँ ये जंगलों में आके बाहर के गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है गैर बराबरी के शिकार हुए, जुर्म जाति के शिकार हुए, रेप हत्याओं के, मारपीट के, तो ये वहाँ से चले आए और आके यहाँ आके बस गए। अब जब ये जहाँ 100-100 साल से बसे हैं, उन घरों को उजाड़ने की, इनको बेघर करने की तैयारी चल रही है। पंत नगर में भी बुलडोजर की बात थी, फिर रोका गया। इससे पहले आपने देखा अकबर नगर में, लेकिन अब यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार? मैं विकास में अवरोधक नहीं हूँ, एलिवेटेड रोड बने लेकिन उसकी ऊंचाई, और यहाँ की जनता भी चाहती है उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को बेघर ना हो, यहाँ के लोग, यही यही उनकी ताकत है। ये ताकत अगर उनसे छीन ली, उनके आसियाने उनसे छीन लिए गए, तो वो कहाँ जाएंगे, किससे उम्मीद करेंगे कि क्षेत्र? आप देखें ना, इन इन मकानों में रह के अपना काम चला रहे हैं, ये हमारे यहाँ गांव में जानवर का बाड़ा इतना बड़ा होता है, उसमें रह के अपना काम चला रहे हैं, ये भी सरकार से देखा जा रहा है। मुझे तो उम्मीद थी कि सरकार बसाने का काम करेगी, लेकिन सरकार तो उजाड़ने पर चली आई है। जब वो पंतनगर का रोक सकते हैं, तो यहाँ का भी रोक सकते हैं। अगर इन लोगों से मुख्यमंत्री जी को प्यार होगा, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी इनका दर्द भी सुनेंगे। एक सवाल है कि मुजफ्फरनगर में कहा गया है कि सब लोग अपने बोर्ड जो है बाहर लगाएंगे, चाहे वो सब्जी वाले हों, फल वाले हों, उन्होंने लगाया भी है। मैं पीसी में अपनी बात रखूंगा, कुछ कहेंगे? हाँ, पीसी है 3 बजे से, मैं उसमें अपनी बात रखूंगा। क्या और भी सरकार, चाहे अखिलेश यादव हो, आपने कहा कि कल अंबानी के उसमें गए थे, क्या आपको लगता है उनसे भी ये बातें कही गई थी? वो भी यहाँ पर मौजूद है, मायावती बीएसपी चीफ है, वो भी मौजूद है, दलितों की मसीहा कही जाती है लगातार, आप क्या लगता है? समय नहीं लगा होगा, समय नहीं लगा होगा उनके पास, इतना समय नहीं होगा कि इन बस्तियों में आ जाए। ये बस्ती है, इनमें बदबू होती है, गंदगी रहती है, यहाँ उनके आधार पर छोटे लोग रहते हैं, यहाँ तो उनके बीच आना कठिन काम है। ये मेरे जैसा छोटा आदमी आ सकता है? तो इन बस्तियों में गंदगी में इनके दुख दर्द, इनके आंसू पूछने के लिए आप हिम्मत रखो, भरोसा रखो, आप ही के घर है, कहीं नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो, भरोसा रखो अपने ऊपर। नगर और हैदर कलान में डिफरेंस भी आपने बताया कि क्या आखिर वजह है? अब ये तो मुख्यमंत्री को साबित करना है, ये उनके ऊपर सवाल है कि अगर वो पंतनगर को अपना मानते हैं, तो इस हैदर कैनाल को भी अपना मानते नहीं मानते, जिसमें 70% दलित समाज के लोग रहते हैं। ठीक है, देखिए सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, साफ तौर से मानना है कि पंतनगर और साफ तौर से इस बस्ती को लेकर इतना ज्यादा क्यों मतभेद है, और ऐसे में वो आज पहुंचे हैं, और मानना यही है कि साफ तौर से कहीं ना कहीं इस पर एलिवेटर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।